सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। माय नेम इज मोहित एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल मोहित। फेसबुक मार्केटिंग ट्यूटोरियल का हमारा ये 8th वीडियो है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसे हम पोस्ट कर सकते हैं, कैसे सबसे पहले तो पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं कैनवा की हेल्प से, और उसको हम पब्लिश कैसे करेंगे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, दोनों पे। तो इसके पहले के वीडियोस में मैंने सब कुछ बताया कि पेज को कस्टमाइज़ कैसे करना है, पेज को क्रिएट कैसे करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक को कैसे कनेक्ट करना है, तो काफ़ी अच्छे वो वीडियोस बने हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेंगे पिछले वीडियोज़ को अगर नहीं देखा होगा तो। और अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल इस वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि इतने मेहनत से आप सबके लिए इस सीरीज़ को बना रहा हूँ, तो आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखे हैं मेरे चैनल पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये इतने अच्छे अच्छे मैंने ट्यूटोरियल सीरीज बना के रखे हैं। उसमें यूट्यूब टिप्स भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैंने बना के रखे। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए, वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाला हूं कि कैसे पोस्ट को क्रिएट करते हैं कैनवा में और उसको कैसे पब्लिश करते हैं। तो चलते लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं। सो गाइस, अभी ऑलरेडी हमारा पेज बन चुका है और उसको हमने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट भी कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम कोई एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो जिसकी मदद से जो पोस्ट मैं क्रिएट करने वाला अपने फेसबुक के लिए वो मैं यूज़ करने वाला कैनवा। कैनवा की हेल्प से मैं टेम्पलेट का यूज़ करके एक पोस्ट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। पोस्ट का साइज़ होना चाहिए स्क्वायर साइज़ में, जो आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, आपके फेसबुक में भी दिखेगा और आपके ऐड में भी वो हेल्प आपको करेगा। तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 1080x1080 हाइट एंड विड्थ पिक्सल में, ठीक है। अगर आप कैनवा पे भी आओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पोस्ट, आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम पोस्ट। आप यहाँ पे साइज देख सकते हो 180x180 पिक्सल, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कैनवा में काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ्री में, जिसका यूज़ करके आप अपने फेसबुक के लिए पोस्ट बना सकते हो, डिज़ाइंस बना सकते हो, जैसा चाहिए वैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अच्छे अच्छे, कुछ प्रो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, बट यहाँ से मैं फ्री वाले कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हम फ्री वाला कुछ एक पोज बनाएंगे और उसको शेयर करेंगे, ठीक है। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कोई भी एक टेम्पलेट, अगर आपको कैटेगरी वाइज चाहिए कि मुझे कोचिंग रिलेटेड चाहिए, ऑफर रिलेटेड चाहिए, कोई कोट रिलेटेड चाहिए, तो आप सर्च कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा इसको समय लगेगा डिज़ाइनिंग करने के लिए, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैं टेम्पलेट उठा लेता हूँ, जैसे कि ये वाला एक टेम्पलेट है, मैं इसको उठा लेता हूँ, राइट। इसको हम कस्टमाइज करेंगे और इसको हम अपलोड करेंगे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ये टेम्पलेट हमें मिल चुका है। यहाँ पे जो ये फ्रेम यूज़ हुई है, इसके अंदर हम अपना पेज भी डाल सकते हैं। अब कैसे डाल सकते हैं, हमारा जो पेज है कवर फोटो, ये वाला हमारा पेज है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करके रखा है, मैं इसको फिट कर दूंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। ये देख सकते हो नीचे, मैं इसको फिट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। तो इसको मैं प्रॉपरली इतना रख लेता हूँ, तो ये ठीक है, ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ। ऊपर लिख लेता हूँ डिजिटल मोहित, कम्युनिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, दिस पेज इज फॉर न्यू यूट्यूब की क्रिएटर, ठीक है, ऐसा मैं लिख लेता हूँ। और इसको मैं तो यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख लिया स्मॉल सा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे लाइक एंड शेयर, ठीक है। मैंने ये सिंपल सा यहाँ पे एक टेम्पलेट का यूज करके बना लिया है। आप अपना कोई भी अच्छा सा टेम्पलेट यूज कर सकते हो यहाँ पे, जिसको आप रिक्रिएट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो इसको ये सिंपली हमारा ऐसा ही है नॉर्मल, मैं इसका नाम दे देता हूँ ऊपर फर्स्ट पोस्ट, और इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है।
अगर आपको कैनवा यूज़ करते नहीं आता तो कैनवा को कैसे यूज़ करते हैं, इसके टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके रखी है, प्लेलिस्ट बना के रखी है कैनवा की, जिसमें आप पूरा कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल्स मैंने बना के रखे, प्लेलिस्ट में आप उसको यूज़ करिए, उसको देखिए, और कुछ भी हेल्प लगती तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो हमारा फेसबुक पोस्ट डाउनलोड हो चुका है। अभी हम चलते हैं हमारे पेज पे, तो हमारा लास्ट पोर्शन आता है जहाँ पे अभी हम करेंगे इसको पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट पोस्ट का। क्रिएट पोस्ट अगर आप यहाँ से करते हैं तो यहाँ से अगर आप पोस्ट करोगे तो ओनली आप यहाँ पे फेसबुक पे ही पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे एक ही टाइम में आपको अपलोड करना है पोस्ट को, तो उसके लिए मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पब्लिशिंग टूल में। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा पब्लिशिंग टूल में, जहाँ से आप अपने पोस्ट को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों पे पब्लिश कर सकते हो। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पब्लिशिंग टूल में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ पोस्ट का। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट आपको कहाँ कहाँ पोस्ट करना है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है फेसबुक और सेकंड ऑप्शन है हमारा इंस्टाग्राम पेज। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम अपने फेसबुक से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप दोनों जगह एट अ टाइम पोस्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको दोनों को कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे जाके पोस्ट करना है। सिंपली आपके जो भी आप बॉडी टेक्स्ट लिखते हो पोस्ट में, तो यहाँ पे लिखना है जो भी आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मुझे लिखना है ठीक है, ये मैंने सिंपल सा कैप्शन लिखा है, हैशटैग देना, आप हैशटैग दे सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखना आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। तो यूट्यूब में लिख लेता हूँ हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग अगर मुझे लिखना है, वो भी सब मैं यहाँ पे इजीली दे सकता हूँ। और उसके बाद सिंपली आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड अ फोटो का, जो भी आपने फोटो अपलोड करनी है पोस्ट करनी है आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर लो अपने गैलरी से। तो ऑलरेडी हमने एक पोस्ट यहाँ पे डिज़ाइन कर रखी है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी मिलेगा कि आपका जो पोस्ट है वो फेसबुक पे कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम पे कैसा दिखेगा, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, आप दोनों फीड यहाँ पे देख सकते हो। तो इस टाइप में कुछ वो पोस्ट हमारा दिखेगा पब्लिश होने के बाद। राइट, तो सिंपली यहाँ पे आपको कुछ डालना नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे पोस्ट करना है पब्लिश। और कैप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो अपना बॉडी टेक्स्ट में जो आपको लिखना है, जो कि नॉर्मली सब लिखते हैं। आप फोटो पोस्ट करते हो तो कोई कैप्शन लिखते हो, हैशटैग डालते हो, वैसे सिमिलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके बाद हम सिंपली इसको कर देते हैं पब्लिश। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे अभी पब्लिश होगा, मैं आपको दोनों भी पेजेस पे जाके दिखाऊंगा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो पब्लिशिंग टूल से हमारे जो दोनों पोस्ट है वो पब्लिश हो चुके हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अब आप अगर आपको चेक करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगी पेज पे, आप डायरेक्टली उस पर जाके भी चेक कर सकते हो। अब पेज पे अब देखना है फेसबुक पेज पे, तो अभी मैं फेसबुक पेज पे प्रेजेंट हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पब्लिश हो चुका है, तो अभी आप डेट भी देख सकते हो, नाम भी देख सकते हो, तो मैंने इसको पब्लिश किया है। और अगर इंस्टाग्राम पे भी आपको दिखा दूँ तो इंस्टाग्राम पे मैं चले जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने पोस्ट किया वो हमारे अकाउंट पे आया है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो हमने टेम्पलेट का यूज़ करके हमने एक पोस्ट बनाई थी वो अभी हमारे इसमें पोस्ट हो चुकी है। तो ये वाली पोस्ट हमने जस्ट अपलोड की थी हमारे फेसबुक पेज से, तो फेसबुक पेज से हमने दोनों इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पे दोनों जगह पे मैंने अपलोड की। अब यहाँ से मैं सारी डिटेल्स देख सकता हूँ उसमें, कितने लोगों ने लाइक किए, कितने लोगों ने कमेंट किए, कितने लोगों ने उसमें मैसेज किया, कितने लोगों ने लाइक किए, ये सब मैं देख सकता हूँ, कितने लोगों तक रीच हुई मेरी पोस्ट, ये सब कुछ मैं ट्रैक कर सकता हूँ यहाँ से अपने फेसबुक अकाउंट से।
ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एनालिटिक्स रिपोर्ट में दूसरे पेज का दिखाऊंगा जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा ट्रैफिक है, जिसपे लाइक्स है, तो उसका मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं और उसको अपलोड कैसे करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे सकूँ और आपको भी हेल्प कर सकूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। Thank you all.